बोलिए एक अनमोल है, बोलिए एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तोलिए नर तब मुख बाहर आनी। अब के बोल बड़ा मत बोलिए, बोल बड़ा मत बोलिए, बोल बड़ा अनमोल। जे बोलन गो मन होवे तो नर बोल बोलने तोले। प्रेमी सजनों बोली ईमान खा दे गए मैंने महापुरुषों को कहना है क्या बड़ी अनमोल वस्तु है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। यदि कोई बोलनों के जाने तो इंगे बराबर और कोई क्यांगी भी महिमा नहीं है। कहिए तराजू तोलिए, ई बोली ने बोलने से पहले लिखे हृदय रूपी ताकड़ी पर भली भांति सुन तोल लेनी चाहिए। बिंग बात के मैं नहीं के जबान सु बारे निकालनी चाहिए, क्योंकि बोली जकी है ना बिंगो घाव एक ऐसो है जेको दिखने में तो कोनी आवे पर घाव बहुत गहरो होवे है और कदी वो भरने के मैं कोनी आवे। कोई हथियार की अस्त्र शस्त्र की लागुड़ी हुए भी वो घाव जको है ना वो तो कोई समय के दौरान भर जावे, बाकी बोली वो घाव कदी भरने में कोनी आवे। बोली से ही इस सृष्टि के मैंने बहुत बड़ा बड़ा फैताल रची जड़ा है। एक महापुरुष बोली के बारे में मैंने बखान करी हुई ओ भर सकता घाव तलवार का, बोली का घाव भरे ना। भर सकता है घाव तलवार का, बोली का घाव भरे ना। भर सकता है घाव तलवार का, बोली का घाव भरे ना। भरे ना बो लिखा घाव भरे ना बो लिखा घाव भरे ना बो लिखा घाव भरे ना। भर सकता वे घाव तले बार का, बो लिखा घाव भरे ना। भर सकता है घाव तले बार का, बोली का घाव भरे ना। बोली का घाव भरे ना, 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 बोली का घाव भरे ना। भर सकता है घाव तले बार का, बोली का घाव भरे ना। के कारण उसे देख हंसी आई लक्ष्मी के भरतार ने, उसे देख हंसी आई लक्ष्मी के भरतार ने, उसे देख हंसी आई लक्ष्मी के भरतार ने। Oh,
विष्णु को श्राप दिया क्रोध भर के तन माय, नारी के वियोग में तुम भटकोगे बन माय, नारी के वियोग में तुम भटकोगे बन माय, नारी के वियोग में तुम भटकोगे बन माय थी। दशरथ के राजकुमार का बिन हनुमत काज शरेना, दशरथ के राजकुमार का हनुमत बिना काम शरेना, हनुमत बिना काज शरेना, हनुमत बिना काज शरेना, हनुमत बिना काज शरेना, हनुमत बिना काज शरेना। हर सकता है घाव तलवार का बोली का घाव भरेगा, हर सकता घाव तलवार का बोली का घाव भरेगा, बोली का घाव भरे घाव तलवार का बोली का घाव भरेना, सकता है घाव तलवार का बोली का घाव भरेना। भक्त और भगवान की जय हो। का भर सकता है घाव तलवार का बोली का घाव भरेना, पीहर का गमन किया भृगु जी की नार ने, भृगु जी ऋषि हा, एक बार ऋषि रानी जी पीहर जाने को विचार कर गए, भृगु जी ऋषि से इजाजत ले ली कि आपकी कृपा हो जाए, आपकी आज्ञा हो जाए तो थोड़े समय में पीहर मेल मिलाप कर आऊं। भृगु जी ऋषि रानी ने पीहर जाने की इजाजत तो दे दी, बाकी चेहरे पर फिकाई आ गई, मन में विचार करो ऋषि रानी पीहर चली जावेगी तो आपने सेवा चाकरी कौन बजावेगा, ऐसो भाव आयो। इन्हें बैकुंठ लोक के मायने भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित मौजूद बैठा है। लक्ष्मी जी की तरफ मुखातिब होकर के भगवान विष्णु मुस्कुरा करके लक्ष्मी से कहने लगे, देखो तपोबल से इंद्रिया ने वसीभूत करने वालों एक ही तो बड़ो महात्मा, एक स्त्री के पीहर जाने के वियोग ने सहन नहीं कर पा रही और दुखी हो रही है। भृगु जी ऋषि विष्णु भगवान ने के अपने आप पर यहां मुस्कुराते हुए देखा तो तन के मायने क्रोध पैदा हो गयो कि लागे विष्णु ने अभी तक ये बात को पतो नहीं है कि स्त्री वियोग की तो मुश्किल हो गए। पीहर का गमन किया तो भृगु जी की नार ने ऋषि को उदासी छाई सेवा के कारण उसे देखकर हंसी आ गई लक्ष्मी के भरतार ने, हंसता हुआ देख के ऋषि दुखी हो गए मन के माए और विष्णु को श्राप दे दिया क्रोध भर के तन के माँ, जाए नारी के वियोग में एक दिन भटकोगे तुम बन के माँ। और नारी वियोग कितनी मुश्किल की बात है, एक समय के दौरान स्त्री के वियोग के मैंने तन बन में भटकना पड़ेगो, जग दिन तन पतो चलेगो कि नारी वियोग की है, कि यू एक कारण बढ़ो। भृगु जी ऋषि के ऊपर हंसी करने को कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग के मायने राम के रूप के मायने अवतार धार करके आनो पड़ो, 14 साल को वनवास मिले और वन में रावण सीता जी को हरण करो और सीता जी के विरह के मायने रामचंद्र जी ने बन बन भटकनो पड़ो। होयो एक बोली सु का दशरथ के राजकुमार का बिन हनुमत के काज सरेना, भर सकता है घाव तलवार का पर बोली का घाव भरेना, और किसने किसको गोल मार दिया देखो। कैलाश में शंकर और पार्वती बैठे
गऊ चरे एक घास में, गिरजाखस बोली इसके पांच पिया पास में, गिरजाखस बोली इसके पांच पिया पास में, गिरजाखस बोली इसके पांच पिया पास में। शराब दिया देख हुई देख गौ माता ने शराब दिया, क्या हस्ती गिरजा देवी तेरे होंगे पांच पिया। शंकर भगवान ने तब पांच रूप धार लिया, शंकर भगवान ने तब पांच रूप धार लिया, शंकर भगवान ने तब पांच रूप धार लिया जी। ये पांचों पति द्रौपदी नारी के गऊ माँ का वचन टले ना, भय पांचों पति द्रौपदी नारी के गऊ माँ का वचन टले ना, गऊ माता का वचन टले ना, गऊ माँ का वचन टले ना, गऊ माँ का वचन टले ना, गऊ माँ का वचन डरे ना, हर सकता गाव तले बारिका बोली का गाव धरे ना, हर सकता गाव तले बारिका बोली का गाव धरे ना, बोली का गाव भरे वाले की जय हो। शिव जी और पार्वती जी बैठे थे कैलाश में, कैलाश पर भगवान शंकर भवानी पार्वती जी सहित विराजमान हैं। सामने वन उद्यान में एक गऊ घास के मैंने विचरण कर रही है और गऊ के साथ के मैंने पांच बछड़ा है, पांच बैला ने एक गाय के साथ देख करके पार्वती जी ने मजाक सूझगी। भगवान शंकर से मुखातिब होके कहने लागी, देखो महाराज कितनी अनोखी लीला है, स्त्री तो एक है और पति पांच है, एक स्त्री पांच पतियों के साथ विचरण कर रही है, जगत जननी भवानी के मुखसू ऐसो बोल जब निकलो, गौ माता के काना में जाकर के गूंजो, अंतरतम में जाकर के घाव कर गयो। दुखी हुई गौ मन में विचार करो, जगत जननी भवानी के मुख से ऐसो बोल, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, जो मेरे लिए मतलब ही तो कलंकित शब्द जो है वो कहे है। क्रोध में आकर के गौ माता पलट करके वार कर दियो। शिव जी और पार्वती जी बैठे थे कैलाश में, नांदिये थे पांच संग एक गौ चरे थी घास में, गिरिजा हंसकर बोली इसके पांच पिया है पास में। हंसती हुई देख गौ माता ने श्राप दिया, क्या हंसती है गिरिजा देवी, जा तेरे होंगे पांच पिया, मेरे तो ये पांच पति है या नहीं है, पर जा एक समय के दौरान तन जरूर पांच पतियां ने धारण करना पड़ेगा। गौ माता के मुख से वो बोल निकले, पार्वती जी घबरा करके भगवान शंकर के चरणा में गिर पड़ी। अब मेरो के होसी, भगवान शंकर के वही जो कोई बोली को परिणाम होना चाहिए। दुखी होकर के पार्वती जी निवेदन करियो, मैं तो जन्म जन्मांतर के मैंने आपने ही पति के रूप के मैंने वरण करियो है, मेरे पतिव्रत धर्म को के होसी, भगवान शंकर के तो की दुख मने ही झेलनो पड़सी। मन खुद नहीं पांच भागा में विभाजित होकर के आनो पड़सी। हंसती हुई देख गौ माता ने श्राप दिया, क्या हंसती है गिरिजा देवी, जा तेरे होंगे पांच पिया, शंकर भगवान ने तब पांच रूप धार लिया। आगे के द्वापर युग के महीने बाई पार्वती द्रौपदी के रूप के महीने आई,
भय पांचों पति द्रौपदी नार के गौ माता का वचन टले ना, ये पांचों पांडव और कोई नहीं भगवान शंकर के ही पांच स्वरूप। भय पांचों पति द्रौपदी नार के गौ माता का वचन टले ना, भर सकता है घाव तलवार का प्रबोली का घाव। और किसने किसको बोल मार दिया देखो। भवन में थी माया पेंड से क्या नाम हो धरण को, अंधे को बताया अंधा मान भुखरण को, अंधे को बताया अंधा मान भुखरण को, अंधे का बताया अंधा मान भुखरण को। पांडव लगे खारने बीच कौरव जीते पांडव लगे खारने, द्रौपदी सभा में आई बोली हु के कारणे, दुशासन सभा में लागा चीर को उतारने, दुशासन सभा में लागा चीर को उतारने, दुशासन सभा में लागा चीर को उतारने। जिन नाम लिया करे तारे का पांचों पति सहाय करे ना, जिन नाम लिया करे तारे का पांचों पति सहाय करे ना, 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 चौपति सहाय करे ना, चौपति सहाय करे ना, भर सकता घाव तले वार का बोली का घाव भरे ना, भर सकता है घाव तले वार का बोली का घाव भरे ना, बोली का घाव भरे ना, बोली का घाव भरे ना, का घाव भरे ना, भर सकता है घाव तले वार का बोली का घाव भरे ना, भर सकता घाव तले वार का बोली का घाव भरे ना। बोले शंकर भगवान की जय हो। द्रौपदी ने बोल मार दिया दुर्योधन और कर्ण को। कर्ण ने तो द्रौपदी एक गंदी नाड़ी को कीच तक कह दियो। स्वयंवर के मायने जद के कर्ण मच्छी भेदन करने के वास्ते धनुष उठा करके चालो तो द्रौपदी रोक दियो कि यदि तू मच्छी भेदन कर देगो तो भी मैं तेरे साथ में शादी नहीं करूंगा। करण सिंह बिंगो परिचय पूछो मजबूर हो करण, क्योंकि करण ने अपने आप को ही बात को पतो को नहीं हो कि वो किंगी संतान है। ऐसो बोल मारियो करण को हृदय बिंद गयो, अपमान को दुख भी बहुत बड़ो हुए। प्रेमियों अवसर की तलाश के मैं नहीं करण बैठे हो, कोई मौको आवेगो तो ये बोल को बचो, बोल जरूर देंगे। इनके अस्तनापुर के मैंने पांडवों को एक ऐसो मायावी भवन हो जके भवन की सीमा के भीतर यदि कोई प्रवेश करे तो हर एक वस्तु जकी भवन के भीतर है बा उल्टी दिखे। जठे समतल भूमि हुए बैठे पानी दिखे, जठे पानी हुए बैठे भूमि दिखे, जठे दरवाजो हुए बैठे दीवार दिखे,
जठ दीवार हुए बैठे दरवाजो दिखे है। इसे मायावी भवन में एक बार दुर्योधन को जानो होयो। द्रौपदी ऊपर झरोके सुसारो कुछ दृश्य देख रही ही। जो ही भवन की सीमा के भीतर प्रवेश करने लगे दुर्योधन तो आगे पानी को भरेड़ो गर्त हो, बाकी दुर्योधन ने बा जगह एकदम समतल दिखाई दे रही है। द्रौपदी ऊपर से आवाज देनी कि संभल करके चलना, आगे पानी का गड्ढा है। और दुर्योधन द्रौपदी की बात ने नहीं मानी, मन में विचार करो मजाक हो रही है, आपक से अंधा थोड़ा ही। सामने साफ भूमि दिख रही है, अपनो कदम के दुर्योधन आगे बढ़ायो कि पानी के गर्द के मैंने जागिर। गिरते ही द्रौपदी की हंसी फूट गई और जबान से निकल गई वाह अंधांगी औलाद अंधी होवे। प्रेमी सजनों, दुर्योधन को पिता धृतराष्ट्र आंखें से अंधो हो और बोल के दुर्योधन के कालजे में जाकर के घाव कर गयो। बटे से वापस मुड़ गयो कि अपमान को बदलो जरूर लेऊंगा। आकर के अपने मामे शकुनी के सागे मिलकर के कपट रूपी जुए को खेल रचायो। जुए के खेल के मायने युधिष्ठिर ने बुलायो और पांडवांगी जुए के मायने के हार होगी। द्रौपदी ने बोल मारा दुर्योधन और करण को, भवन में थी माया पेंट सक्या नहीं वो धरण को, अंधे को बताया अंधा मान हु हरण को, जुए बीच कैरव जीते पांडव लगे हारने, द्रौपदी सभा में आई उस बोली के हारने। बोल के कारण से ही दुर्योधन द्रौपदी ने सभा के मायने बुला करके बिंगो चीर हरण करने के लिए दुशासन ने हुक्म देनो। दुशासन सभा में लगा था चीर को उतारने, जिन नाम लिया करतार का ये पांचों पति सहाय करे ना, भर सकता है घाव तलवार का पर बोली का घाव। कभी कई इंसान के पास के मायने तो बड़ो खजानो है बोली, एक भूखे प्यासे मेहमान ने भी के बोली के द्वारा तृप्त करके घर से वीर करियो जा सके। और बोली के मायने वो अवगुण भरे के समान सारो आगे पड़े फिर भी अगले ने जीवन को दे, तो कभी कहे विचार करके बोलनो चाहिए जे इंसान ने। बोली की महिमा बहुत बड़ी है, ओके बताइए देखो। बोली से अनादर होता बोली से दीमान है, बोली से नरकों में जाए बोली से कल्याण है, बोली से नरकों में जाए बोली से कल्याण है, बोली से नरकों में जाए बोली से कल्याण है। जन्म मरण दुख फंद कट जावेगा, माधव कहे मिले सुख सुन गम खाए जा, माधव कहे मिले सुख सुन गम खाए जा, माधव कहे मिले सुख सुन गम खाए जा। शरणा ले वो सर जन हार का आयुष बिन कोई विपद करे ना, शरणा ले तू सर जन हार का आयुष बिन कोई विपद करे ना, उस बिना कोई विपद करे ना, उस बिन 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 कोई विपद करे ना। घाव तले बार का बोली का घाव भरे ना, भर सकता घाव तले बार का बोली का घाव भरे ना, बोली का घाव भरे ना, बोली का
तले बार का गाव भरे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो बजरंग बली की जय हो। विष से भरी है बोली अमीर रस की खान है। बोली से अनादर होता बोली से ती मान है। बोली से ही नरकों में जाए बोली से कल्याण है। बोली से ही इंसान जीवन के मायने दुख खरीद लेवे। बोली से ही इंसान आनंद में अपनो जीवन व्यतीत कर लेवे। कभी कहीं बोल का विचार कर ले तो कोई सार चीज पावेगा। बोलने से पहले यदि तू बोली को विचार कर लेगो ना कि बोली को परिणाम के निकलेगो तो बस सार वस्तु तन पहले मिल जाएगी तो फिर तेरो बोलनो भी जको हुएगो वो सफल हो जाएगा। बोली का विचार कर ले तो सार चीज पावेगा। जन्म मरण दुख फंद कट जावेगा। माधव कहे मिले सुख तू सुन गम खाए जा। शरणा ले सर्जन हार का उस बिन कोई विपत हरे ना। परम पिता परमेश्वर के बिना कोई भी इंसान को संकट में साथी नहीं है। सुमरण कर सर्जन हार का उस बिन कोई विपत हरे ना। भर सकता है घाव तलवार का पर बोली का घाव।